अच्छा जी, आज आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन्स का। सबसे पहले अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड है प्रोटियोस, इसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी ग्रीक साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल के अंदर, तो इस अखबार से इन्होंने इस बायोमॉलिक्यूल का नाम भी क्या रख दिया? प्रोटियोज, यानी बुनियादी अहमियत हासिल है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। अभी जब हम इनके फंक्शंस पे बात करेंगे तो पता चलेगा लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा करैक्टर नहीं है जो प्रोटीन्स के मकोड़े में नजर आए, यानी जो प्रोटीन्स से मिलकर या प्रोटीन्स के बायोमॉलिक्यूल से परफॉर्म ना होता हो। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है हम कहते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द स्मॉलर यूनिट्स बाय व्हिच द प्रोटीन्स आर फॉर्म। और मजीद फिर हमें ये देखना है कि ये अमाइनो एसिड क्या चीज है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, इससे पहले हमने दो बार मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीमर, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्मड बाय सैकेराइड आर ग्लूकोज सब यूनिट्स। और इसी तरह से हमने लिपिड्स पढ़े, हमने कहा कि उनके छोटे यूनिट फैटी एसिड है, अल्कोहल है। बिल्कुल इसी ही तरह से हम कहते हैं प्रोटीन्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दीज आर द पॉलीमर्स, ह्यूज मॉलिक्यूल्स हैं, इनके छोटे यूनिट्स हैं, वो कहते हैं दीज आर द अमाइनो एसिड्स। वो कहता है अमाइनो एसिड्स को देखा जाए तो हम कहते हैं कि इसमें क्या मौजूद होते हैं। नंबर वन, इसमें जैसे कि इसी के नाम से जाहिर है एक अमाइनो ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। नंबर टू, इसके अंदर हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है। ये दो फंक्शनल ग्रुप है। अब ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं? एक कार्बन के साथ अटैच है, उसको हम नाम देते हैं इट इज द अल्फा कार्बन। उसे क्या नाम दिया जाता है? अल्फा कार्बन का नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये हमने वो अल्फा कार्बन लगा लिया ड्यू टू द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन के हमने हमेशा फोर कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बनाने हैं। एक एंड पर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और दूसरी तरफ हम लगा देते हैं नाइट्रोजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है जो एक ही कार्बन के एटम के साथ अटैच है। लिहाजा इस वाले कार्बन को हम कहते हैं इट इज द अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये कार्बन, इसकी चार वैलेंसी पूरी करने के लिए एक इसके साथ हाइड्रोजन होता है और दूसरा यहाँ पर आर ग्रुप है। आर ग्रुप के अंदर चेंज आने से अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं टोटल को कहता है। अगर देखा जाए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, टोटल अमाइनो एसिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो टोटल अमाइनो एसिड्स डिस्कवर हुए हैं वो 170। आउट ऑफ दीज 170 अमाइनो एसिड्स 25 can be used to form proteins, लेकिन 25 में से भी हम ये कहते हैं 20 amino acids most of cellular proteins का हिस्सा होते हैं, यानी हमारी body के अंदर या cell के अंदर जो proteins पैदा होते हैं these are formed by the 20 different amino acids। और ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड अपनी इस अल्काइल चेन में डिफरेंस से पैदा होते हैं। अगर इस आर चेन की जगह पर आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो इस आर चेन में चेंजेस आती जाती है, 20 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। बाकी ये तीन चीजें सेम रहती है, यानी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम रहता है। इसीलिए हमने लिखा फॉर्मूले में अमाइनो एसिड इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स अल्फा कार्बन and this alpha carbon is directly attached with an amino group and carboxylic group। तो ये दो ग्रुप्स मिलकर अमाइनो कार्बोक्सिलिक एक अल्फा कार्बन के साथ
कहते हैं मोनोमर है, स्मॉलर यूनिट है, इट इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ह्यूज लार्ज बड़े साइज के, और मिलकर किन से बनते हैं, अमीनो एसिड, दैट आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद जरा देखते हैं, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं देखते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन प्रोटीन वाले बायोमॉलिक्यूल्स को फराइन इंपॉर्टेंस के वर्ड से इनका नाम रखा। लिहाजा आप देखेंगे कि वो कौन से ये रोल प्ले करते हैं। नंबर वन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर proteins are the component of cell membrane, proteins are the component of cell membrane का component होते हैं। इसी तरह से हमारी body के अंदर muscles मौजूद होते हैं, हमारी body के अंदर bones मौजूद होती हैं, हमारी body के अंदर hair मौजूद है, ये तमाम के तमाम क्या हैं, proteins। इसके अलावा और भी बहुत सारे important function जो हैं वो perform करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है बात करें देखें तो ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हीमोग्लोबिन वाली जो प्रोटीन है ये क्या काम करती है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन ने ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले किया। और मजीद इसी तरह से देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, लाइफ रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एंजाइम्स, एंड वी कैन से ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जैसे हम कहते हैं इससे पहले डिफाइन करते हैं एंजाइम, तमाम के तमाम प्रोटीन इन नेचर है, लाइफ की जिंदा जानदार की जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेकर मल्टीसेलुलर इंसान तक तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं, यानी एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं, तो ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ये थर्ड इसका फंक्शन हुआ। इसी तरह से देखें फोर्थ नंबर पर तो सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर हम देखते हैं जो क्रोमोसोमल मूवमेंट है, यानी हम ये कहते हैं सेल डिवीजन के नतीजे से जो दो डॉटर सेल पैदा होते हैं दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस के नतीजे में, लिहाजा वो क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है ये भी प्रोटीन्स की मदद से है, these are called spindle fibers that are responsible for the movement of chromosomes, so they can be equally divided in the daughter cells, यानी माइटोसिस के नतीजे से जो दो नए सेल्स पैदा होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर रहती है, तो वो क्रोमोसोम्स की बराबर तादाद स्पिंडल फाइबर्स वाली प्रोटीन की मदद से होता है, लिहाजा सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। और मजीद इसी तरह से देखे हमारे ब्लड के अंदर खास प्रोटीन्स पाई जाती है जिनको हम कहते हैं दीज आर द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज वाली प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, डिफेंड करती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, कि हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस अटैक करते हैं वायरसेस हैं बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ताकतवर करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स के जरिए से पैदा होती है, जो WBCs हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके जरिए से एंटीबॉडीज पैदा की जाती हैं। और इसी तरह से मजीद आगे देखें तो छठे नंबर पर खून के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, इनका काम क्या है, प्रिवेंट करती हैं, दीज प्रोटीन्स प्रिवेंट करती हैं ब्लड लॉस को, ब्लड के जाया होने को बचाते हैं एट इंजरी साइट, अगर किसी जगह पर जख्म आ जाए बॉडी में तो खास तरह की ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जिनके अंदर एग्जांपल्स हैं मिसाल के तौर पर फाइब्रिनोजन,
ठीक है, फाइब्रिनोजेंस ये खास तरह की प्रोटीन्स हैं जिनका काम ब्लड के लॉस होने को बचाना है, खून को जाया होने से बचाना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन तो होती है। और मजीद इसी ही तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, छठा फंक्शन ये हुआ सातवें नंबर पर जो मूवमेंट है हमारे बॉडी के अंदर, मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर होती है किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। तो मसल्स जो है ये तमाम के तमाम क्या है, प्रोटीन है। मसल्स क्या काम करते हैं, बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, और मसल्स के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये सेवन बेसिक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म होते हैं प्रोटीन्स की मदद से। अब हमने ये देखना है हाउ दीज अमाइनो एसिड्स यूनाइट, कि ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से किस तरह से जुड़ते हैं, यानी हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जब कभी भी स्मॉलर यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, बड़े बायोमॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं, जैसे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट पैदा किए, और इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, जैसे वो फंक्शनल ग्रुप वाले हमने माने दो बनाए, इसी तरह से बनाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा कार्बन लगा ले। अब ये दो अमाइनो एसिड बनाना चाहते हैं हम, ठीक है, एक अल्फा कार्बन लगाएंगे, फिर उसके बाद दोनों के अंदर अमाइनो ग्रुप लगा लेते हैं। अब देखें एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगता है तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा लेते हैं, इसी ही तरह से इस वाले जो है वो अमाइनो एसिड पर भी हम यही काम करते हैं, एक तरफ हमने अमाइनो ग्रुप लगाया और दूसरी तरफ क्या लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं। पहले अल्फा कार्बन लगाया हमने, फिर उसके फॉर्मूले के अतबार से उसके ऊपर अपने अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिए। अब देखो कार्बन की वैलेंसी चार है, उसको पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन लगेगा इस पर, और यहाँ पर आर चेन थी। अगर इस आर चेन की जगह पर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है। इसी तरह से इस अल्फा कार्बन पे भी फोर बॉन्ड कंप्लीट करने हैं तो हाइड्रोजन लगाएंगे, और इस आर चेन की जगह पर अगर हम सी एच थ्री लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये एक और नया अमाइनो एसिड बन जाता है जिसको एलानिन कहते हैं, ठीक है। अब देखें जरा यहां पर रिएक्शन होगा, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से देखो OH आएगा हमेशा और अमाइनो ग्रुप से आएगा हाइड्रोजन, और वाटर मॉलिक्यूल बनकर यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिलीज हुआ और जो रिजल्टिंग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जरा आप देखें, ये बन जाएगा कार्बन से नाइट्रोजन के दरमियान में, ये वाला बॉन्ड बना कार्बन से नाइट्रोजन के दरमियान में, लिहाजा इस बॉन्ड को हम कहते हैं इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड को यूनाइट करता है, डाइपेप्टाइड कहलाता है। अभी भी आप देखें ये वाला अमाइनो ग्रुप यहां से नया आने वाले अमाइनो एसिड से बॉन्ड बना सकता है, और इसी तरह से ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH इस साइड से नया अमाइनो एसिड से बॉन्ड बना सकता है, लिहाजा ये चेन इस तरफ कंटिन्यू रहती है और ये चेन इस तरफ कंटिन्यू रहती है। लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स joins by the peptide bond, it makes a long chain of amino acids called polypeptide. क्या कहेंगे उसे? Polypeptide कहलाएगा कि when large number of amino acids joined by this peptide bond formation. अब देखें तमाम biomolecules में एक बात सेम है, उनके जो छोटे यूनिट्स हैं, छोटे मोनोमर हैं, जब कभी भी वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ऐसा रिएक्शन डीहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है। क्यों? डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल गया, और इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? कि दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, कंडेंस हो गए, एक दूसरे से अटैच हो गए, लिहाजा इसको कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। और अब यहां पर क्योंकि अमाइनो एसिड्स का अमाइनो एसिड से बॉन्ड बना, लिहाजा ये कहलाएगा इट इज अ पेप्टाइड।
पेप्टाइड बॉन्ड और लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड इसी ही तरीका कार के जरिए से अटैच होंगे और इस तरह से ये लंबी चेन जो है वो चलती जाएगी अमीनो एसिड्स की पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए से पॉलीपेप्टाइड कहलाएंगे और इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स जो है वो मिलकर प्रोटीन्स जो है वो पैदा करते हैं। समझ में आई बात?